बिस्मिल्लाम असला डियर स्टूडेंट अली स्मार्ट गाइड में आप सबको हुशामदीद कहा जाता है हमारे पास प्रॉबिलिटी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है बाल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्राम द बैक इफ द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज थ्री बाय टेन एंड ब्लैक बॉल इज टू बाई फाइव दैन फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इफ द बैग कंटेन्स ट्वेंटी ब्लैक बाल्स देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ बाल इन द बैग क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में वाइट ब्लैक और रेड बाल्स हैं एक बाल रेंडमली चूज की गई है अगर वाइट बाल के सिलेक्ट होने की प्रोबिलिटी थ्री बाय टेन हो और ब्लैक बाल के चूज होने की प्रोबिलिटी टू बाय फाइव हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए रेड बाल को चूज करने की प्रॉबिलिटी क्या होगी उसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर बैग में 20 ब्लैक बॉल्स हों तो बताइए उस बैग में टोटल कितनी बॉल्स पड़ी हैं डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक सैंपल स्पेस में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम वन इक्वल होता है अब यहां पर सैंपल स्पेस है हमारे पास बैग और एलिमेंट्स हैं उस बैग में मौजूद व्हाइट ब्लैक और रेड बॉल्स तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम वन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई गई है जो कि है थ्री बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स टू बाय फाइव है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाज हमने कैलकुलेट करनी है और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम वन के इक्वल होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ टेन और फाइव कैल्शियम लेंगे तो एल्शियम आएगा टेन टेन आर टेन एंड वन टू थ्री आर थ्री प्लस फाइव टूज आर टेन एंड टू टूज आर फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू वन डियर स्टूडेंट्स ये हमें हासिल होगा सेवन इज डिवाइडेड बाई टेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल इज इक्वल टू वन तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल हासिल होगी इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय तो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू इसका एलसीएम होगा टेन आर टेन एंड टेन इंट वन आर टेन माइनस टेन आर टेन एंड आर सेवन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें हासिल होगी थ्री बाय टेन डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स हमें कैलकुलेट की है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ब्लैक बाल्स इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो एन एफ बी है ये है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बाल्स इज डिवाइडेड बाय एन एफ एस होगा टोटल नंबर ऑफ बाल्स इन अ बैग डी एस्टूर हमें यहां से टोटल नंबर ऑफ बाल हासिल होगा टोटल नंबर ऑफ बाल्स ये हमें हासिल होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स है टू बाय फाइव तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वेंटी इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज डिवाइडेड बाय टू टू वर टू एंड टू टे आर ट्वेंटी एंड टेन इंटू फाइव आर फिफ्टी तो डी स्टूडेंट्स बैग में जो टोटल बाल्स पड़ी हैं टोटल नंबर ऑफ बाल्स इन द बैग ये होंगी फिफ्टी बाल्स